मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का मैं समर्थक हूँ, यह देश हित में है लेकिन इसके राजनीतिकरण का विरोधी हूँ। संजय गांधी इमरजेंसी के दौरान इसे लेकर आए, कार्यक्रम अच्छा था लेकिन समय सही नहीं था और तरीका भी सही नहीं था क्योंकि आपने दबाव बनाया, यही कारण रहा कि कांग्रेस को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। अब जो आप लेकर आ रहे हैं वो वोट की राजनीति है। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह देश का प्रोग्राम है, आप सभी पार्टी को बुलाकर इस पर बात करें। राजधानी नवनिर्मित डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू शासकीय सिविल हॉस्पिटल के फीवर क्लिनिक पर श्रेय लेने की राजनीति के बाद अब लोकार्पण पट्टिका पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता पर लोकार्पण पट्टिका हटाकर अपना नाम जुड़वा कर नई पट्टिका लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा यह मुख्यमंत्री का अपमान है। काटूज अस्पताल के अधीक्षक आरपी पटेल ने कहा कि पट्टिका में उमा शंकर गुप्ता का नाम जोड़ा गया था, यह वरिष्ठ कार्यालय स्तर का निर्णय था, इस संबंध में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। भोपाल में युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में शनिवार को राजभवन का घेराव करने के लिए साइकिल रैली निकाली। पुलिस ने रैली को लीली टॉकीज के पास रोककर कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने 11 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के तहत केस भी दर्ज किया है। युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में राजभवन का घेराव करने के लिए शनिवार को साइकिल रैली निकाली। इस दौरान रैली में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। रैली में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, विधायक पीसी शर्मा व आरिफ मसूद समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश में 19 और 22 जुलाई को 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी, इसके लिए सरकार ने जिलों को वैक्सीन का आवंटन कर दिया है। शनिवार को जिले में वैक्सीन के बचे स्टॉक से वैक्सीनेशन होगा। वहीं भोपाल में 17 सेंटर पर कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज लगेगा। दूसरी तरफ भोपाल के एम्स और गुनगा में कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगेगा। राज्य सरकार ने सभी जिले में 19 और 22 जुलाई को वैक्सीनेशन का अभियान चलाया है। इसके तहत 19 जुलाई को 4 लाख और 22 जुलाई को 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने अब शराब दुकानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए आबकारी विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि जिलों में शराब दुकानों पर तय एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचे जाने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। टैक्स चोरी कर लगातार ब्लैक में शराब बेची जा रही है। इस कारण जिलों में एक उड़नदस्ता दल के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी।